सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है? डर तो है क्योंकि जब एक इतने बड़े परिवार में इतने सारे लोग होते हुए एक बॉडी को ले जाके ये लोग ऐसे अचानक से जलवा देते, तो अब हम लोग तो चार लोग यहाँ घर में रह जाएंगे, तब उन लोगों की नियत पे कैसे हम लोग वो कर कोई कर सकता है विश्वास कि ये लोग अच्छे हैं? यही चीज यही इसी का डर है बस। कैसे जीने, जीने को एक आधार तो चाहिए। हमने तो अपनी बेटी भी खो दी और सरकार से भी कोई हमें हम तो कोई गिनती में ना आते। आपके परिवार की मुख्य चिंता क्या है जब ये चीजें खत्म हो गई? क्या आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर के तो चिंता है ये, क्योंकि आज मीडिया है, पुलिस वाले भी हैं और ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो ये अब बिल्कुल नॉर्मली हो जाएगा, तो आगे के लिए थोड़ा चिंता बनी रहेगी सिक्योरिटी के लिए। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इसमें कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटे हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। हमें तो बिटिया को सब भी नहीं जलाने थे, और उन लोगों ने तो अपने आप ही सब कोई इंसाफ ना दे दिया। देखो आगे तो कोई इंसाफ नहीं पता लगेगा, इसके तो बहुत ही लापरवाही है। ये तो मिनिमम तो हिसाब को तो हमें तो देते कम से कम एक दो घंटा का ही, कम से कम अपने नाते रिश्तेदार देख लेते, वो तो करना ही है जो कुछ। पर क्या बोले उनसे, आगे बच्चे को जीने देंगे? हमें तो ना लग रहा विश्वास को बच्चे को देंगे, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं कि जो सरकार ने विश्वास को बिल्कुल ही खत्म, जो उसके नाम दो रुपए उठा रहा है कि नई सरकार, हमें तो जो लग रही है हमारा तो कोई नहीं, हमारी बच्ची को ऐसे ले जा रहे हैं पूरी तरीके से। कैसे माँ ने जन्म गए हो, कैसे करी बाप ने पाल पोस के बड़ी कर, बच्ची को कैसे ले जा रहे हैं, जाकर बच्ची को हमारे बेटी के संग में तो पहले भी अत्याचार हुआ और अभी भी ऐसा ही उन्होंने जैसे कूड़े कचड़े की तरह कहा के थे एकदम। हाँ, वो लोग क्या नया दिलाएंगे जो अब जो मालूम, हमें तो बेटी को भी सब न मिलो, अब ये मालूम ना है कि वो कैसे नया दिलाएंगे, कोई पता थोड़ी। बहन बेटी तो किसी की भी हो, जाति बिरादरी से मतलब ना हो, तो चलो मैं एक दलित समझते हूँ या अलग समझते हूँ, अब संसार में बहुत सी बहन बेटी हैं, कम से कम उनकी हाँ उनको तो कम से कम वो तो होनी चाहिए कि चलो मेरी बेटी के साथ में जो भय हो, पर हर माँ हर पिता के साथ में ऐसी अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहूँगी जो कष्ट हम झेल लें कि भगवान किसी को ना दे, कि जो दुख आदमी संकट की घड़ी में झेल चुका है वो सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रोमत बिल्कुल। जो कह रही बेटे पापा मेरी कोई उम्मीद ना थी, पर इंसाफ दे रही कह रही
अब कलकत्ता में जब रह रही थी तब उस तरीके का कोई भेदभाव या उस तरीके का कुछ देखा था? कहाँ, यहाँ पे कलकत्ता में? वहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ जब आई हूँ ना, मैंने यहाँ सब कुछ देखा है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे लोग है, कैसा माहौल है, कैसे लोगों में मैं यहाँ पे आकर रह रही हूँ। मगर फिर भी मैं वहाँ के हिसाब से यहाँ भी ऐसे ही रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं। अपने घर में रहना है, अपना खाना पीना खाना है। हमारे घर में अगर नमक रोटी है तो हम वो ही खाएंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सोचूंगी भी नहीं कि मेरी बच्चियाँ यहाँ रहे और मैंने पढ़ा हूँ यहाँ पे। छह भीख मांग लूंगी, कहीं भी रहूं, काम करूंगी, मेहनत करूंगी, मगर अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी जरूर। कोई इस लायक हो कि कोई सामने वाला आके अटैक ना कर सके। बहुत ही दुखद घटना ने क्या हुई है। एक लड़की, एक 19 साल की लड़की जिसके बहुत से सपने थे, जिसको जीना था, उसके साथ ना ही उसके शरीर के साथ बर्बरता की गई, गैंगरेप की वो शिकार हुई। कल उनका